मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में कि भाई इसकी माइथ्स हैं जो मतलब झूठ फैला रखा है लोगों ने, जो भ्रम है उसके बारे में हम बात करेंगे। प्रोटीन के बारे में ऐसी कोई पांच बातें बताऊंगा आज आपको कि जो लोगों में ज्यादातर फैली हुई है और लोग डरते हैं प्रोटीन के बारे में, लोग डरा के रख रखा है बहुत लोगों ने। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो नंबर है वो है कि भाई प्रोटीन लेने से तुम्हारी किडनी खराब हो जाएगी। तो भाई देखो, किडनी का फंक्शन पहले तो है ना, ये जब कोई बोले ना तो उससे पहले यू पूछ लेगा कि भाई ये बताओ किडनी का फंक्शन क्या है। किडनी का फंक्शन समझने के बाद आप खुद ही समझ जाओगे कि भाई प्रोटीन, सिर्फ प्रोटीन खाने से किडनी खराब हो सकती है क्या। देखो, पानी पियो दबा के, किडनी पे लोड नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप खूब सारा खाना खा रहे हो ना, अगर आपका जैसे बॉडी वेट है 100 किलो और आपने 150 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो एक दिन का, या फिर 200 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो, अपनी बॉडी का डबल ले रहे हो, डेढ़ गुना ले रहे हो, और आप पानी नहीं पी रहे हो, तो आपकी किडनी पे तो प्रेशर आएगा लेकिन ख़राब नहीं होएगी, समझे। प्रेशर आएगा, जोर पड़ेगा किडनी पे और उसका इफेक्ट दिखेगा, कहीं कहीं पे दाने निकलेंगे। पानी पियो दबा के, बहुत ज़्यादा पानी पियो। अगर आप नेचुरल कहते हैं ना, नेचुरल, चलो नेचुरल भी, प्रोटीन भी नेचुरल है, लेकिन साग सब्जी रोटी और दाल दूल खा के अगर आप 200 ग्राम प्रोटीन, अंडे वंडे खा के 200 ग्राम प्रोटीन कर लेते हो अपने बॉडी का पूरा, और फिर भी पानी नहीं पीते हो, तो तब भी मुश्किल है, बात वहीं आ जाती है, ठीक है। तो पानी पीना है दबा के, ये बहुत बड़ा माइथ है कि किडनी खराब हो जाती है। कोई किडनी खराब नहीं होती, इस बात का ध्यान। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर की बात पे। लोग बोलते हैं कि भाई स्मेल आती है मुंह में से, बहुत ज़्यादा स्टिंकी फील होता है लोगों को आसपास। तो नहीं, जिसने भी ये बात करी है, जिसने भी ये बात फैलाई है, जो भी ये बात करता है, मैं उससे एक ही बात कहना चाहूँगा कि भाई जब जिम आओ तो ब्रश करके आओ। हो सकता है जिसने ये बात कही है वो ब्रश करके ना आता हो, है ना, या फिर जिम आओ अपना प्याज लहसुन ये अनियन गार्लिक मत खा के आओ, खा के आओ तो अच्छे से थोड़ा सा ब्रश ब्रश करके आओ, बढ़िया। अब आ जाते हैं तीसरी बात पर। तीसरी बात है कि भाई तुम्हारा जो जीटी ट्रैक मतलब जो हमारी आंत है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह वो सब हो जाती है प्रोटीन वो करने से, प्रोटीन खाने से। तो ये वाली बात जिस भाई ने फैलाई है, जिस बॉय ने फैलाई है, भाई ऐसा है, ये इसलिए हुआ है, दो चीज़ हैं, एक तो पानी कम पी रहा होगा, दूसरा हाई प्रोटीन और लो कार्ब और लो फाइबर। जब आप फाइबर नहीं खाओगे, कार्ब्स कम खाओगे, तो भाई तुम्हारी कहाँ से कॉन्स्टिपेशन कैसे सही होगी, है ना, पत्थर ही होगा फिर। तो पानी पियो दबा के और फाइबर तो बढ़िया खाओ। और जब आप कटिंग पे जाते हो, ये बातें लोग फैला देते हैं दूसरों को देख के, जब कोई प्रोफेशनल उस पे जाता है ना, कटिंग पे जाता है, कटिंग स्टूल चलाता है, तो वो हाई प्रोटीन चला जाता है, लो कार्ब चला जाता है, फाइबर भी कम ही खा पाता है फिर वो, तो उसको क्या होता है उस टाइम पे थोड़ी सी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, फिर वो उसके कॉन्टेक्ट में होता है, फिर देखता है ओहो इसको तो कब्जी हो गई भाई, प्रोटीन से कब्जी हो जाती है। देख, प्रोटीन प्रोटीन खा रहा है, उससे कब्जी हुई है, पूरा सिस्टम देखो ना, सारा सिस्टम डिस्टर्ब हुआ है उसका, वो लो हाई प्रोटीन जाके लो कार्ब भी गया है, फाइबर भी कम ले रहा है, पानी भी कम पी रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखा करो, एक कुछ भी एक चीज़ को लेकर मत डिसीजन करा करो और ना किसी से फैलाया करो ऐसी चीज़ें। अब एक और माइथ सामने आता है, वो है कि भाई बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होता है। तो भाई यहाँ पे भी वही बात आ जाती है कि जिसने भी ये बात कही है वो यही हुआ है, उसने हाई प्रोटीन और लो कार्ब्स चलाए। ब्रेन के फंक्शन के लिए कार्ब्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कार्ब्स कार्बोहाइड्रेट, और अगर आप लो कार्ब पे गए तो आपको चिड़चिड़ापन तो होएगा ही होएगा, पक्की बात है, ठीक है। तो थोड़ा सा साइंस पढ़ लिया करो फैलाने से पहले कि भाई वो तो पागल हो रहा, गुस्सा आता है प्रोटीन खाने से, ये वो, कुछ नहीं होता, ये सबके पीछे साइंस है, अपना उस चीज़ पर ध्यान दो, पढ़ा करो चीज़ों को और नॉलेज गेन करो। फालतू की बहसबाजी से कोई फायदा नहीं है, चार बात तुमको बोलोगे, जिसको नॉलेज नहीं वो 10 बात बोलेगा, तो इससे बढ़िया आप पढ़ो और खुद का ज्ञान। अब जो लास्ट पॉइंट है वो है वेट गेन का, कि लोग कहते हैं कि भाई प्रोटीन नहीं खाएंगे हम, वेट गेन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, प्रोटीन खाने से तो मोटे हो जाते हैं। तो भाई मेरे सुन, कि प्रोटीन खाने से वेट गेन नहीं होता, ना फैट बनता है बॉडी में। अगर आप थोड़ी सी एक्सरसाइज कर रहे हो और एक बाल्टी भर के प्रोटीन पी रहे हो, तो आपसे आपका है ना मसल मास बढ़ेगा, उससे फैट नहीं बढ़ेगा उससे आपका।
आ जाते हैं दूसरी बात पे कि कोई भी चीज आपका फैट नहीं बढ़ाती है। जो फैट होता है वो डिपेंड करता है दिन में कैलरीज कितनी खा रहे हो, चाहे वो अच्छी चीज खा रहे हो चाहे बुरी, चाहे अमृत पी लो आप, अगर उसका कैलरीज ज्यादा है तो उससे फैट बढ़ेगा। चाहे आप सिर्फ प्रोटीन प्रोटीन पियो दिन भर का, ठीक है, अगर उसकी कैलरीज आपके दिन के हिसाब से ज्यादा है तो आपका फैट बढ़ेगा। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे कि बाल्टी भर के प्रोटीन पियोगे तो उससे आपका मसल मास ही बढ़ेगा लिफ्टिंग के साथ। दूसरे केस में आ जाते हैं, अगर आप अपना दोगुना भी बॉडी वेट का प्रोटीन पीते हो और वेट लिफ्टिंग करते हो और वेट नहीं बढ़ाते हो, उसी वेट में ट्रेनिंग करते हो और अपना जो प्रोटीन है वो बहुत ज़्यादा खाते हो, तब भी कुछ नहीं होगा, मसल मास नहीं गिरेगा, फैट गिरेगा, समझो इस बात को, फैट गिरेगा, मसल मास रुक जाएगा। कब रुकेगा? जब आप ट्रेनिंग उतनी करते रहो, प्रोटीन इंटेक बढ़ा दोगे तो फैट गिरेगा, मसल वहीं रहेगी। तो ये सब है, नॉलेज बढ़ाओ। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर आपको, आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, इस तरह की नॉलेज वाली वीडियो हम डालते रहते हैं, बताता रहता हूँ मैं लोगों को कि क्या कैसे कैसे करना चाहिए। और आप मेरे पहले से ही सब्सक्राइबर हो तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।